नमस्कार दोस्तों, आज बनाने वाले हैं हम गुड़ के सेव। हमने गुड़ लिया है, 1 कप हमने बेसन लिया है, 1 चम्मच हमने घी लिया है, पानी आवश्यकता अनुसार। अब हम इसमें बेसन डाल लेंगे और घी मिला के हम इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने एक नरम डो तैयार कर दिया है, अब इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसमें तेल डाल के अब इसको चिकना कर लेंगे। इसकी लोई बन गई है, अब इसमें डालेंगे हम सांची में ग्रीस कर लेंगे। अब इसके अंदर इसमें तेल डाल के अब इसको चिकना कर लेंगे। इसकी लोई बन गई है, अब इसमें डालेंगे हम सांची में ग्रीस कर लेंगे। अब इसके अंदर उसमें थोड़ा घी डाल देंगे और 1 कप हम ये गुड़ डाल देंगे चाशनी के लिए। चाशनी बनाएंगे, गुड़ को पिघलाना है बस। अब हम सेब को तल लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। अब इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में उनकी चाशनी को भी चेक करते रहेंगे। अब हमारे सेब एक साइड से फ्राई हो गए हैं, दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। अब हमारे सेब तैयार है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब ये सेबों को तोड़ लेंगे। इनकी ये देखो, ये एक एक करके निकल रही है। हमारी चाशनी अब गुड़ की तैयार हो गई है, अब इसके अंदर हम सेब डालेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस ऑन करके इन्हें मिक्स करना है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। सारे सेब जो है वो गुड़ में कोट हो जाने चाहिए जब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे। गुड़ से अब मिक्स हो गए हैं, अब इसे हम चलाते रहेंगे ठंडा होने तक। अब हमारे गुड़ के सेब बन के तैयार है। इसकी क्रिस्पीनेस देखो, हमारे गुड़ के सेब बन के तैयार हैं। आप इसको स्नैक्स में ले सकते हैं, टी टाइम स्नैक्स के साथ। अगर आपको मेरी मम्मी की रेसिपीज अच्छी लगती है तो आपको इस वीडियो को करना है लाइक, हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।